जादुई पानी। जी हाँ दोस्तों, इस जादुई पानी से अपने पूजा के बर्तनों को आप कभी भी सिर्फ 5 मिनट में नया जैसा चमका सकते हैं। ये देखिए ये कैसे, ये पूजा का तांबे का बर्तन सिर्फ 10 सेकंड के लिए इस पानी में डालने के बाद चमक गया है। और अब देखिए क्या चमक आ गई है, कैसा नया जैसा बर्तन हो गया है इस जादुई पानी से। इन पीतल के बर्तन को भी देखिए, अभी इस कटोरी को पानी में डालते हैं और देखिए ये भी कैसा चमक गया है। बिना घिसे आप करेंगे तो चौंक जाएंगे इस प्रयोग से। जादुई पानी तो कैसे बनाएं इस जादुई पानी को, तो सबसे पहले आपको एक बाउल में पानी लेना है, उसमें आपको ये साइट्रिक अम्ल डालना है। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा कहीं भी, बड़ी ही आसानी से आप सिर्फ 5 या 10 का ले लें इसको। इसको आप साटरी बोल कर भी मांग सकते हैं, ये अक्सर लोगों के घरों में भी बड़े ही आसानी से मिल जाता है। तो आपको ये थोड़ा सा डालना है, साथ में ही आप इसमें आधा चम्मच नमक भी डाल लें। उसके बाद आप इसको घोल लें और उसके बाद घोलने के बाद आपका ये जादुई पानी बनकर तैयार हो गया। बस अब देखते हैं इसका जादू, इसका कमाल। तो ये देखिए, ये हैं पूजा के बर्तन, ये पुराना पूजा का बर्तन इसके जैसे नया हो जाएगा 10 सेकंड में। देखिए तो देखिए कैसे होता है ये साफ। वीडियो में पूरे बने रहिए। बस इसको डालना है पानी में 10 सेकंड में लिए और फिर देखना इसका कमाल। आप अपने पूजा घर के सभी बर्तन रोज नहीं तो हफ्ते में, ये महीने में बस इस पानी से धो लें, आपके बर्तन हमेशा ही चकते रहेंगे। आपको कभी भी पीतांबरी से बर्तन घिसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं क्या सच में जादू हुआ। तो ये देखिए जितना हिस्सा इस जादुई पानी में था वो कैसा हो गया, कैसी चमक आ गई है इस पर। और जो हिस्सा पानी से बाहर था उसको आप देखिए कितना अंतर आ गया है। अब जो ये छोटे छोटे स्पॉट हैं, इनको आप हाथ से थोड़ा सा घिसे, ये भी पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। ये बस आपको पानी में डालना है, ये भी इसी की तरह ही चमक उठा है। अब इसके बाकी हिस्से को भी आप थोड़ी देर पानी में डाल के रख दें, फिर देखना ये भी कैसे नए इन बर्तन की तरह चमक जाता है। ये बर्तन भी हमने इसकी तरह ही चमकाए हैं। अब आपको पीतल के बर्तन भी हम चमका कर दिखाते हैं। आप भी तांबे और पीतल के बर्तन को इस जादुई पानी से एकदम नए जैसा चमका सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। ये देखिए ये कटोरी कैसे चमक उठी है, सिर्फ 10 सेकंड में कैसी नई जैसी हो गई है। हर हर महादेव।